तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा छठवीं की विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में। तो अभी तक हम लोग 13 चैप्टर इसमें खत्म कर चुके हैं। इसमें बात करेंगे आज जल के बारे में। किसके? जल के बारे में। मैं आप लोगों से बार बार वही कहूँगा कि इसे एक बार मन से सुनिए, ठीक है? मुझे खुद नहीं समझ में आता है कि मैं आखिर आप लोगों को क्या समझाऊँ, कौन सा शब्द ऐसा है जो समझाऊँ, क्योंकि सभी शब्द इतने सरल शब्द हैं कि जो आप एक दो बार अगर पढ़ेंगे मुझे भरोसा है कि आपको समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है? तो इतना दिमाग पर जोर मत डालिए, एक दो बार देखिए आराम से समझ में आ जाएगा। जल, मान लीजिए किसी कारणवश आपके परिवार को एक सप्ताह तक प्रतिदिन एक बाल्टी जल मिलता है। कल्पना कीजिए तब क्या होगा? क्या आप खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और स्नान करना जैसे कार्य कर पाएंगे? इसके अतिरिक्त अन्य कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे? यदि आप काफी लंबे समय तक हमें आसानी से जल प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा? पीने के अतिरिक्त ऐसे बहुत से क्रियाकलाप हैं जिनके लिए हमें जल का प्रयोग करते हैं। क्या आपको यह अनुमान है कि हम एक दिन में जल की लगभग कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं? हम कितने जल का उपयोग करते हैं? देखते हैं, प्रतिदिन के उन सभी क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनमें आप जल का प्रयोग करते हैं। सारणी 14.1 में कुछ क्रियाकलापों की सूची दी गई है। इसी प्रकार की सारणी अनेक अपनी नोटबुक में बनाइए और पूरे दिन में आप अपने परिवार के सदस्यों द्वारा प्रत्येक क्रियाकलाप में प्रयुक्त जल की मात्रा मापिए। आप मापन के लिए मग, गिलास, बाल्टी या फिर किसी अन्य बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। एक क्रियाकलाप दिए गए हैं, जैसे पीने के लिए पानी का यूज करते हैं, भोज के लिए, नहाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, शौचालय में, फर्श साफ करने में, कोई अन्य के लिए, परिवार में एक दिन में उपयोग हुए जल की कुल मात्रा। अब अपने अपने परिवार के हिसाब से आप लोग कितना यूज करते हैं यहाँ भर के ने के लिए, ठीक है? हम लोगों को ये सभी नहीं करना है। ये क्रियाकलाप मतलब जो भी सारणी, इन्हें भरने की जरूरत हमें नहीं है। हमें समझना है उन कॉन्सेप्टों को जो इसमें छिपे हुए हैं, इन इस पूरी कहानी में छिपे हुए हैं। ये पूरी कहानी हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए जरूरी है उन कॉन्सेप्ट, वो शब्द जो हमें जरूरी है, जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है, ठीक? अब आप यह जान गए होंगे कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितने जल का उपयोग होता है। क्या आप अपनी स्वेच्छा के लिए एक दिन में उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं? इस जानकारी का उपयोग करके यह गणना कीजिए कि आपके परिवार को एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती है। अब जल की इस मात्रा को अपने परिवार के सदस्यों की संख्या से विभाजित कीजिए। यह आपके परिवार के एक सदस्य की एक वर्ष की जल की आवश्यकता का ज्ञान कराएगा। पता लगाइए कि आपके शहर या शहर में, गांव या शहर में कितने लोग रहते हैं। अब आपको यह बोध हो जाएगा कि आपके शहर अथवा गांव के लिए एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती। आपने ऐसे बहुत से क्रियाकलापों की सूची बनाई जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारे जल की आवश्यकता इसी प्रकार के क्रियाकलापों तक ही सीमित है? हम गेहूं, चावल, दालें, सब्जियां तथा अन्य बहुत सी खाने की वस्तुओं का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ रेशे जिनका उपयोग हम कपड़ा बनाने में करते हैं पौधे से ही प्राप्त होते हैं। क्या इन्हें उगाने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती? क्या आप जल के कुछ और उपयोग सोच सकते हैं? हमारे उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल का उपयोग किया जाता है, इसलिए जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए ही नहीं वरन बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी होता है। हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? अपने उपयोग के लिए आप जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? आप में से कुछ कहेंगे कि हम नदियों, झरनों, तालाबों, कुओं अथवा हैंडपंपों से जल प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य कह सकते हैं कि हम जल टोंटियों से प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि टोंटियों से जल कहाँ से आता है? टोंटियों में जल कहाँ से आता है? टोंटियों के द्वारा जल हम प्राप्त करते हैं, वह जल भी किसी झील, नदी या फिर कुएं से प्राप्त किया जाता है, जिसकी आपूर्ति फिर पाइपों के नेटवर्क द्वारा की जाती है। हम में से प्रत्येक का अपने घर में जल प्राप्त करने का
ढंग भिन्न हो सकता है। अतः हम सबके जल के एक ही स्रोत हैं, जैसे तालाबों पर झीलों या कुएं। हमने अपनी चर्चा में कुछ जल स्रोतों का उल्लेख किया है। इन तालाबों, नदियों, झीलों, कुओं को भरने के लिए जल कहाँ से आता है? महासागरों से पृथ्वी के अधिकतर भाग को घेरा रखा है। ठीक, महासागर हैं जो आपके पृथ्वी के अधिकतर भाग को महासागरों ने घेरा है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग, याद रखिए कितना, 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। समुद्रों महासागरों के जल में बहुत से लवण घोले होते हैं, जिसे जल खारा होता है, इसलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त है तथा अन्य घरेलू कृषि उद्योग की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी उचित नहीं है। कदाचित आपने ST कॉलरेज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता राइम ऑफ द एंशियंट मेरिनर की पंक्तियां सुनी होंगी। हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। यह कवि ने महासागर में भट के किसी जहाज के नाविक की करुण गाथा का उल्लेख किया। फिर भी महासागर हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। क्या आपको यह आश्चर्यजनक लगता है कि आखिरकार जो हम जल उपयोग करते हैं वह खारा नहीं होता? हम में से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। क्या इन स्थानों की जल आपूर्ति भी महासागरों पर ही निर्भर करती है? महासागर का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों तथा कुओं से कैसे पहुंचता है जो हमें जल की आपूर्ति करते हैं? ऐसा क्यों है कि इन स्रोतों का जल किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता है? इसे समझने के लिए हम जल चक्र के विषय में जानना आवश्यक है। हमें जल चक्र, जल के विलुप्त होने की युक्ति है। आपने कितनी बार यह देखा है कि फर्श पर फैला जल कुछ समय बाद सूख जाता है या जल विलुप्त होता प्रतीत होता है। इसी प्रकार गीले कपड़ों के सूखते समय भी जल विलुप्त हो जाता है। वर्षा के पश्चात गीली सड़कों, छतों तथा अन्य स्थानों से भी जल विलुप्त हो जाता है। यह जल कहाँ जाता है आखिर? क्या आपने अध्याय 5 का क्रियाकलाप 6 याद है, जिसमें हमने उस जल को गर्म किया था जिसमें नमक घुला हुआ था? हमने क्या पाया था कि जल वाष्पित हो गया था और तथा नमक शेष रह गया था। इस क्रियाकलाप से हमें यह बोध होता है कि गर्म करने पर जल जल वाष्प से में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रियाकलाप से हम यह भी अनुभव करते हैं कि जलवाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करते। इस प्रकार बनी जलवाष्प वायु का एक भाग बन जाती है जिसे फिर याद देखा नहीं जा सकता। हमने यह भी जान पाया था कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य है। तथापि हमने यह देखा है कि खेतों, सड़कों, छतों तथा अन्य जमीनी क्षेत्रों से भी जल जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। अध्याय 5 में हमने यह भी उल्लेख किया है कि महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्रित हो जाता है। वाष्पन के लिए आवश्यक है ऊष्मा जल को कहाँ से प्राप्त होती है, आइए इसका भी पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 2, दो एक जैसी प्लेट लीजिए। एक प्लेट को सूर्य के प्रकाश में रख, दूसरी को छाया वाले स्थान पर रखिए। अब इन दोनों प्लेट में बराबर मात्रा में जल भरिए। जल को मापने के लिए आप किसी बोतल के ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि जल इधर उधर ना चलके। प्रत्येक 15 मिनट पश्चात दोनों प्लेटों का परीक्षण कीजिए। क्या जल विलुप्त होता प्रतीत होता है? किस प्लेट का जल पहले विलुप्त होता है? जल के वाष्पन के लिए इस ऊर्जा का स्रोत क्या है? दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों से भरे जल पर पड़ती। खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। तथापि जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं और जल वाष्प के रूप में उड़ जाता है। क्रियाकलाप 2 में हमने यह देखा कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट से भी जल विलुप्त होता है, यद्यपि इसमें अधिक समय लगता है। क्या सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा यहाँ भी पहुंच जाती है? हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु भी गर्म हो जाती है।
गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। इस प्रकार जल के सभी खुले पिष्टों से वाष्पन की क्रिया होती रहती है। इसके फलस्वरूप वाष्प में जल वाष्प निरंतर मिलती रहती है। तथापि जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है। यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी से जल की इस क्षति को हम बहुत कम देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है। जल को किसी वर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन और अधिक तेजी से होता है। क्या जल वाष्प की वायु में अंतरित होने का अन्य कोई विक्रम है? पौधों द्वारा जल की क्षति। आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे इस जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं तथा कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन विक्रम द्वारा जल वाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। क्या आपको अध्याय 7 का वह क्रियाकलाप 4 याद है जिसमें आपने पत्तियों द्वारा जल के वाष्पोत्सर्जन का निरीक्षण किया था? वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के विक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, यह हमें पुनः प्राप्त होता है जैसा कि हम देखेंगे आगे। बादल कैसे बनते हैं आखिर? क्रियाकलाप 3 में देखते हैं। जल से आधा भरा गिलास लीजिए। गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से पोंछिए। जल में कुछ बर्फ डालिए। 1 या 2 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। गिलास के बाहरी पिष्ट में होने वाले परिवर्तनों का निरीक्षण कीजिए। क्या करना है? गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहाँ से आती हैं? बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जल वाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाते हैं। संघनन के इस विक्रम को हमने अध्याय 5 की क्रियाकलाप 7 में देखा था। ये इस तरह जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन विक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कैसे होता है? जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं ताप कम होता हो जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें जिन्हें हम लोग जल कणिका कहते हैं परिवर्तित हो जाती हैं। यही छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती हैं हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े आमाप जल की बूंदें बनाती हैं। यह है आपके बादल बनाती हैं। इनमें से कुछ बूंदें कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वे नीचे की ओर गिरने लगती हैं। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम लोग वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थिति में यह ओले या फिर हिम के रूप में भी गिर सकती हैं। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है। बादल बनते हैं और वर्षा ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आता है। बात करते हैं पुनः महासागरों की ओर। वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में आए जल का क्या होता है? प्रायः समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचे हैं। वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अंततः महासागरों में वापस चला जाता है। यह विभिन्न ढंगों से होता है। पर्वतों पर हिम पिघलकर जल बन जाती है और यह जल पहाड़ों से झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरता है। कुछ जल जो वाष्प की वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वह भी नदियों और झरनों के रूप में बदल जाता है। अधिकांश नदियां भूमि पर लंबी दूरी तय करती हैं और अंततः किसी समुद्र या फिर महासागर में गिर जाती हैं। तथापि कुछ नदियों का जल झीलों में भी बह जाता है। वर्षा जल की जल भी झीलों तथा तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त हो जाए हुआ व्यतीत होता है। इस जल का कुछ भाग वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे सरिस्ता रहता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध होता है। कुओं का भरण भौम जल से ही होता है। इसी प्रकार कुछ झीलों के जलकुआ स्रोत भी भौम जल ही होता है। हेडपंप या नलकूप में से खींचा गया जल भौम जल से ही आता है। जिन क्षेत्रों में अधिक हेडपंप या नलकूप उपयोग होते हैं
वहाँ पर भौमजल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है। अति उपयोग के कारण भौमजल के स्तर की यह क्षति चिंता का विषय भी बनी हुई है। पहली एक चिंता को आपस में बांटना चाहती है, उन क्षेत्रों में जहाँ भूमि पर वनस्पति बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है, वहाँ वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। बहुत से क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर अधिकांश जमीन कंक्रीट से ढकी होती है, ऐसी भूमि जल का रिसाव बहुत कम होता है, जिससे अंततः भूम जल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। वर्षा का बहता जल अपने साथ मृदा के ऊपरी पृष्ठ को भी बहा ले जाते हैं। अब हम यह जानते हैं कि भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है, वर्षा ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है। देखिए ये वर्षा हो रही, ये आपका बादलों के रूप में बन रहा है, ये है आपका बिल्कुल जल चक्र, देख सकते हैं आप, ये ऊपर की ओर जाते हुए वाष्प रूप है और ये गिरते हुए और अंत में वापस महासागरों में लौट जाता है। जल के इस प्रकार के चक्रण करने को जल चक्र कहते हैं। समुद्र तथा भूमि के बीच यह जल चक्र एक निरंतर विक्रम है, यह भूमि की जल की आपूर्ति बनाए रखता है। बात करते हैं यदि भारी जल भारी वर्षा हो तो क्या होगा। वर्षा का समय और अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है, जहाँ कि ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पर वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है, विशेषतः गर्मी के दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर निर्भर करता है, परंतु अत्यधिक वर्षा से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भारी वर्षा से नदियों झीलों तथा तालाबों का जल स्तर बढ़ जाता है। ऐसे होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन जाता है, यह खेतों वनों और गांवों और शहरों को जलमग्न कर सकता है। हमारे देश में बाढ़ से फसलें पालतू जानवर संपदा तथा मानव जीवन की अपार क्षति होती है। बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव या किसी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दृश्य, ठीक, बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी बह जाते हैं। पर्याप्त जल बाढ़ का जल उतरता है तो ये जल श्रम जीव थल भाग में फंसकर मर जाते हैं। वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करती है। यदि काफी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में एक वर्ष या उससे भी अधिक समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है, क्योंकि यह वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा रहा है, इसलिए मृदा सूख जाती है। उस क्षेत्र के तालाबों और कुओं में जल का स्तर गिर जाता है और उनमें से कुछ सूख भी जाते हैं। भौम जल का की भी कमी हो जाती है, इससे सूखा पड़ जाता है। वहाँ सूखी की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। कदाचित आपने हमारे देश में या संसार के कुछ भागों में बड़े सूखे के बारे में सुना होगा। क्या आपको जानकारी है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैंने बोला था ना कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको बेहतर समझ में आ रही होंगे ये चैप्टर, क्योंकि आप लोगों ने इस कठिनाइयों को देखा होगा और सामना भी किया होगा। इन परिस्थितियों में पशुओं और वनस्पतियों का क्या होता है। अपने माता पिता पड़ोसियों से चर्चा करके अथवा समाचार पत्रों व मैगजीन में पढ़कर इसके बारे में पता लगाने का प्रयास करें। अब बात करते हैं हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भागी पौधों जंतुओं मनुष्यों को पेयों के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश जल महासागरों में है, जिसे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जब भौम जल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है तब भौम जल का और अधिक उपयोग नहीं कर सकते। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण घटती जा रही है। जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है, जनसंख्या
वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी कतारों का देखना एक साधारण दृश्य हो चुका है। खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योगों में भी जल की आधिकारिक मात्रा का प्रयोग हो रहा है। इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो गई है। इसलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। हम सावधानी बरतें जिससे जल व्यर्थ ना हो। अब बात करते हैं वर्षा के जल का संग्रह। वर्षा के जल को एकत्रित करना, उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्रित करने को वर्षा जल संग्रह कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहां गिरे वहीं एकत्रित कीजिए। वर्षा के उस जल का क्या होता है जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहां अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट की सड़कें और मकान होते हैं या नालियों में बह जाता है। क्या ऐसा नहीं है कि इस प्रकार वर्षा जल का कुछ भाग बहकर नदियों या फिर झीलों तक पहुंच जाता है जो कि बहुत दूर पर हो सकते हैं। क्योंकि यह जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं गया, अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। वर्षा जल संग्रहण को यहाँ दो तकनीकों का उल्लेख किया गया है। छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण, इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। इस छत जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं इस तरह, जिन्हें उपयोग करने से पहले नियंत्रित करना आवश्यक होता है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है, जहां से मिट्टी में रिसावों द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति करेगा। एक दूसरा विकल्प है कि सड़कों के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए। ठीक, आप लोगों को सलाह भी दी जाती है कि अपने छत के पास या कहीं इस तरह के गड्ढे बनाए कंकी। ठीक है, और अभी एक योजना कौन सी आई थी, कहाँ थी, कि वो सरकार की तरफ से कुछ पैसे दिए जाते थे कि गांव वाले अपने यहाँ गड्ढे खोदें इस तरह के, और उसमें गिट्टी जो भी हो भरकर इस तरह के गड्ढे बनाए जिससे वर्षा का पानी उनमें रुक सके और धरती में जा सके। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा है क्या क्या, बादलों के बारे में जाना है, संघनन के बारे में जाना है, सूखा के बारे में जाना है, वाष्पन के बारे में जाना है, बाढ़ के बारे में जाना है, ओला के बारे में जाना है, महासागरों के बारे में जाना है, वर्षा जल संग्रहण के बारे में जाना है हमने, हिम के जलवाष्प और जल। याद रखिए, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है उसके बाद अगर आपको इन शब्दों में से किसी शब्द का परिभाषा या परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं तो आपने चैप्टर सही से नहीं पढ़ा है, दोबारा पढ़िए। क्योंकि इसमें आराम से आप लोग अगर एक बार ध्यान से पढ़ते हैं तो समझ में आते रहेंगे। ये आपका सारांश दिया गया है इस चैप्टर का। जल जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जलवाष्प मिलती रहती है। जलवाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है जो बादल जैसी दिखाई देती है। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम अथवा ओले के रूप में गिरती हैं। वर्षा, ओले तथा हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति करते हैं। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा ना होने से सूखा पड़ सकता है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसलिए विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। ये आपके लिए अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, लगा लेना। PDF इसकी टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और रख लेना अपने पास, एक आध बार उससे रिवीजन कर लेना, बस आपका खत्म। इसके बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। ठीक है, ये था हमारा 14वां चैप्टर। आगे हम बात करेंगे 15वें चैप्टर, हमारे चारों ओर वायु।